नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया टॉक शो के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और गंभीर समस्या जिसका नाम है विवाह में बाधा आना। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि घर के बच्चों के जो विवाह हैं वो सही समय पे नहीं हो पाते हैं और पेरेंट्स यानी कि माता पिता काफ़ी चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर। तो दोस्तों, करना क्या है आज मैं आपको वो बताता हूँ। उसके तीन सिंपल से उपाय मैं आपसे शेयर करूंगा, इसके अलावा एक ऑप्शनल उपाय भी दूंगा, तो आप उसको समझिए और उनको कीजिए। और आप उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत जल्दी उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला उपाय देखिए दोस्तों, जिन घरों के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा अक्सर डिस्टर्ब होती है और जो कि रिलेशनशिप्स की दिशा होती मानी जाती है, तो वहाँ पर आपको करना क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर पियोनियों के फूल का चित्र ये आपको अरेंज करना पड़ेगा। कहीं से भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंटरनेट से मार्केट से भी इसे खरीद सकते हैं, अवेलेबल होता है। पियोनियों के फूल का जो चित्र है उसे आप उत्तर पश्चिम दिशा से उस व्यक्ति से लगवाएं जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू रेमेडी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर दो पे आता है दोस्तों, आपको बेसिकली शनि के उपाय साथ साथ कंटिन्यू करने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर सेपरेटिवनेस का ये ग्रह होता है और कई बार विवाह से जुड़े हुए मुद्दे शनि के कारण जो है कंट्रोल में नहीं आ पाते हैं। तो उस केस में आप जो है बेसिकली सूरमा जो है 43 दिन शनिवार से इस उपाय को शुरू करें, 43 दिन जो है सूरमे को आप दबाएं। इसके अलावा दोस्तों, मेरी एक सलाह आपको और रहेगी, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसको उत्तर पश्चिम दिशा में घर में सोना चाहिए, उसका सारा सामान भी आप उत्तर पश्चिम दिशा में शिफ्ट कीजिए। दोस्तों, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और एक ही महीने के अंदर आप देखेंगे 25-30 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, इन उपायों को सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, करना श्रद्धा से है। ये नहीं कहना कि देखता हूँ या एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बिकॉज मेरे जितने भी उपाय होते हैं ये नेचर से जुड़े हुए उपाय हैं। इनके अंदर मैं आपके हाथ से अगर कुछ डोनेशन या दान करवाता हूँ तो वो दान कहीं ना कहीं जाता है और किसी की ना किसी की भूख को ख़त्म करता है। एक और उपाय आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों, जो कि ऑप्शनल है। दोस्तों, अपने गवर्निंग प्लैनेट का स्टोन जो होता है वो आप ज़रूर पहनें। अगर आपके पास उसका आपको नॉलेज नहीं, आपको नहीं पता कि आपको कौन सा स्टोन पहनना है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस हमारे कमेंट में अपने नाम के साथ डालिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे कि आपको कौन सा स्टोन पहनना है और फिर आप उस स्टोन को धारण कीजिए और हम आपको उसकी पूरी विधि भी कमेंट्स के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हर स्टोन की विधि देखिए दोस्तों अलग अलग होती है। तो दोस्तों, ये उपाय मेरी तरफ से ऑप्शनल है, यदि आप इसको करना चाहें तो ये बहुत कारगर रेमेडी है। इससे आपके डिसीजन पावर, आपकी हेल्थ और ओवरऑल लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है काफ़ी आपके कंट्रोल में आ जाती है। और उसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि ये जो है बेसिकली जो है ब्रेन को कंट्रोल करता है, जो है गवर्निंग प्लेनेट होता है। तो दोस्तों, उसका स्टोन जरूर पहने लाइफ में, जीवन में, परंतु चेक करवा के, एनालिसिस करवा के, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरे उपाय आप लोगों को फ़ायदा दे रहे होंगे। अपने फीडबैक्स हमें दीजिए कमेंट्स के अंदर और आगे भी आपको अच्छे अच्छे और कई उपाय मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और हो सके तो इस वीडियो को जितना लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँच सकूँ और उनकी मदद कर सकूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।